Yeah.
उसने क्या गुनाह किया जो आपका दुश्मन बना। यदि तुम अपने बेटे रमन का गुनाह जानना चाहते हो, मंत्री गजराज सिंह दिवाकर सिंह के बेटे रमन का गुनाह सरे दरबार आया किया जाए। गजराज सिंह दिवाकर सिंह रमन ने क्या गुनाह किया जो महाराज का दुश्मन बना। दिवाकर सिंह अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो तो सुनिए बोलिए। मैं कोई उपद्रव नहीं करूंगा।
मैं श्रीपा खिला बेटे का बताओ शीश का अंतर लाने को कह रहा हूं तो आगे से क्यों रोक दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ महारानी जी, दिवाकर सिंह अपने बेटे का शीश काट कर हमारे समझ तक लाने के लिए कहा तो मैंने उसे रोक क्यों दिया था। जुबान चलाओ बिना बेटी तुम्हारी नहीं, वो बेटी हमारी है। तुम उसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ। सिवाई ये समझने की कोशिश नहीं कर रही है इसमें बेइज्जती और मान सम्मान अपना इतने दिन से समझाओ कान निकाल कर ये हमारी माँ का मामला नहीं कर रही है। और एक बात का तुम सुन लो, आज से दिन में बोलने की कोशिश किया तो उससे बुरा कोई नहीं हो। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राज नहीं लाओ। वो बेटी हमारी है तुम्हारी नहीं है। महाराज जी क्या कहा उसने हमारे दरबार में हमारी विजयती की हमारी तहवीली की क्या कहा उसने मिटाया जिसका की मान रही है सब देखे हार क्यों देंगे दरबारी दरबारी चाहे वो 5 साल की थी उसकी माँ मर गई दुनिया छोड़ के चली गई और उसका पाल पोषण मैंने ही किया है। क्या वो हमारी बेटी पाल नहीं पैदा करने वाले से पालन पोषण करने वाले का ज्यादा हक होता अगर मैं नहीं होती तो वो भी दुनिया छोड़ के चली जाती लेकिन मेरी कोई इच्छा थी नहीं फिर मेरी बेचैनी का है लेकिन तरकारी जाने का नाम नहीं अगर महाराज ने मुझे सब देखे कहा है तो ये महारानी सरन का एक दिन सौदेले पर का क्रिया चाल दिखा कर रहेगी चाल महाराज एक दिन ये महारानी सरन का तुम्हें मौत के घाट उतारेगी चाय से ही बैठेगी लेकिन महारानी जी आज मेहरारू जात का कर्तव्य के लिए ज्यादा कुछ एक अपना सेवा का कहीं